हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आप सभी का आपके चैनल एम स्टडी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्टिंग में ही अपने सभी ग्रुपों पर शेयर कर दें, ताकि यह जिन लोगों को जरूरत है वहां तक इसकी पहुंच बन सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य वीडियोज भी आप लोगों को मिल जाए। फ्रेंड, हमारे चैनल के सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूज़ वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो वहाँ आप लोग जुड़कर आप लोग ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा, सन यात्सेन को चीन का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी? आंसर होगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन थे? आंसर होगा, आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? आंसर होगा, आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या होती थी? आंसर होगा, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा संस्कृत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के किस शासकों ने हूणों के आक्रमण को रोका था? आंसर होगा, स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? आंसर होगा, कला एवं स्थापत्य के कारण गुप्त काल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए इसे प्रथम साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? आंसर होगा, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं यह गुप्त काल से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? आंसर होगा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा, अजंता गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? आंसर होगा, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? आंसर होगा, जैनुल आबोदीन, इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति समझौता कब से कब तक आयोजित हुआ था? आंसर होगा 18 जनवरी 1919 से 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक आयोजित किया गया था। फ्रेंड, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दें ताकि यह वीडियो अन्य सभी लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? आंसर होगा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे हुआ करता था? आंसर होगा बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा पुष्यमित्र सुंग को सुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? आंसर होगा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? आंसर होगा विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? आंसर होगा पंचतंत्र पुस्तक का 15 भाषा जो कि भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आंसर होगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा रची गई है? आंसर होगा हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? आंसर होगा रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आंसर होगा एहोल अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।